बात करनी है अलग ना भाई। अरे ये पत्रकार ना भी बात करनी है अलग ना भाई। मुलाकात तो मेरी होती रहती है, मैं गुनाह से हूँ, कोई वो इशू नहीं है। इसी के लिए उन्होंने कहा टीम बनाओ अपनी, अच्छी बात है, काम करो। अचानक आप पहुंच गई वहां पर, क्या अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी क्या बात हो गई और गुस्सा भी? नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप मेरे पॉइंट आप सुन नहीं रहे हो। आप क्यों उनको कहना पड़ा कि आपको पागल जैसे पागल जैसे आप मुद्दे से भटकिए भटकिए मत। मेरा मुद्दा ये है कि मैं अपने देश के लिए खड़ी हूँ। देश तोड़ने वाली जो शक्तियाँ हैं, जो हिंदू मुस्लिम को भाई भाई को लड़ा करके देश तोड़ने की बात करती है, बोलते हैं हिंदू राज बनाएंगे। उन्होंने आपको पागल कहा? एक मिनट, आपको पागल? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनो। आपको सुनना है सुनो, तो मैं बंद करूँ। आपको सुनना है तो सुनिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दूसरे लोग कुछ बोल रहे होंगे। क्या होता है कि जब अपने संगठन से, दूसरे सिस्टर कंसर्न से हम काम करते हैं, दूसरे लोग हमें हल्के में लेते हैं, ऐसा होता है। जैसे कि हमारे, आप देख लीजिए भाजपा में, देख लीजिए हल्का दिया आपको यहाँ पर आपके संगठन में। कुछ गार्ड्स लोग हैं वो करते रहते हैं। मिसबिहेव किया आपके साथ? हाँ थोड़ा बहुत चलता है, वो तो थोड़ा बहुत होता है, इट्स ओके। मिसबिहेव तो कुछ नहीं किया, बस वो ये बोलते हैं मैडम बाद में मिल लेना। मैंने कहा ठीक है भाई मिल लेंगे। नहीं नहीं राया साहब की बात, पागल हो गया आपने? कुछ भी सुन लेते हो, कुछ भी बोलने लगते हो। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये बोला कि थोड़ी देर से मिलेंगे, हम बात करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।